अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी नवाल फातिमा फ्रॉम चौहान इंटरनेशनल ट्रैवल एंड टूर प्राइवेट लिमिटेड। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे टिकट से रिलेटेड, कैसे कौन से टर्म्स एंड प्रोसीजर्स होते हैं जिसके थ्रू आपको चीप टिकट मिल जाता है, या फिर अगर आप रिफंडेबल टिकट चाहते हैं, मल्टी सिटी टिकट का क्या प्रोसीजर होता है, उस सबके बारे में आज हम बात करेंगे डिटेल से। तो आपने ये वीडियो एंड तक देखना है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो चीप टिकट है वो कैसे हासिल किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी भी मुल्क का टूर प्लान कर रहे हैं तो उसका बेसिकली सबसे पहले आप वीज़ा लेंगे ऑब्वियसली, उसके बाद अपनी टिकट बुक करवाते हैं। टिकट जो है वो आपको 3 to 4 वीक्स पहले बुक करवानी चाहिए, लाइक आपकी डेट से जो जाने की डेट है उससे पहले। इससे ये होता है कि जो ऑन डेट आपको टिकट जो है फॉर एग्ज़ाम्पल 2 लाख की मिल रही है, लेकिन अगर आप वही टिकट 3-4 हफ्ते पहले करवाते हैं तो वो आपको 1,20,000 की मिलेगी। लाइक इतना डिफरेंस आता है। और अगर आप रिटर्न टिकट करवाते हैं तो वो भी आपको सस्ती पड़ती है इसके बजाय इसके कि अगर आप वन वे टिकट करवा रहे हैं। तो आपको हम रिकमेंड करेंगे कि आप 3 to 4 वीक्स पहले रिटर्न टिकट करवाएं, क्योंकि आपका बजट फ्रेंडली टिकट जो है वो फिर मिल जाता है। लाइक इसमें आपको 50-60 हज़ार का फ़र्क जो है वो नुमाया है, आप देख सकते हैं। तो आप इस तरह अपने टिकट जो है वो बुक करवा सकते हैं सस्ते रेट्स के अंदर। दूसरी हम बात करते हैं मल्टी सिटी टिकट के बारे में। बेसिकली अगर हम प्लान करते हैं लाइक डिफरेंट कंट्रीज़ का, डिफरेंट सिटीज़ का, आप एक सिटी से दूसरी सिटी विज़िट करना चाह रहे हैं तो उसका क्या प्रोसीजर होता है। दैट इज़ लाइक अगर हम बात करें आप यूके से कैनेडा, देन कैनेडा से पाकिस्तान वापस टिकट करवाते हैं अपनी, तो उसमें यह होता है कि अगर आप एक ही टिकट लेते हैं स्केड्यूल के मुताबिक तो वो एक्सपेंसिव होता है। लाइक अगर आप यूके से कैनेडा जा रहे हैं तो आपके पास कैनेडा की टिकट होनी चाहिए, देन जब कैनेडा से पाकिस्तान वापस आ रहे हैं तो आपके पास उसकी टिकट होनी चाहिए। लेकिन अगर आप ये एक ही टिकट मतलब करवा लेते हैं रिटर्न के साथ, तो वो उसका ये होता है कि लाइक आपको 10 लाख की पड़ती है। लेकिन अगर आप ऑन सिटी अगर आप करवाते हैं टिकट, लाइक वन वे टिकट करवाते हैं एक सिटी से दूसरी सिटी जाने के लिए, तो वो आपको सस्ती पड़ती है। 6-7 लाख में आपका टिकट जो है लाइक इन कंट्रीज़ की बात की जाए हो जाता है आपका। तो उसमें आपको टिकट देखिए आपको कितनी एक्सपेंसिव है, लेकिन अगर आप वन वे लेते हैं तो वो आपका बजट फ्रेंडली होता है। इसमें ऑपोजिट होता है आपका टिकट का जो सिलसिला होता है ना। इसी तरह हम बात करते हैं आपकी कौन सी टिकट्स रिफंडेबल और नॉन रिफंडेबल होती हैं। लाइक अगर आपका प्लान कैंसिल हो गया है तो आप टिकट के रिफंडेबल पूरे चार्जेस इस तरह ले सकते हैं। अगर आप 72 आवर्स पहले लाइक अपनी फ़्लाइट से 72 घंटे पहले अपनी टिकट कैंसिल करवाते हैं तो उसमें आपको रिफंडेबल हो जाती है टिकट। उसमें कुछ लाइक 60, 70 और 80 डॉलर्स जो हैं वो आपकी फ़ी होती है, वो आपको पे करनी पड़ती है, लेकिन आपकी टिकट जो है वो रिफंडेबल हो जाती है। लेकिन अगर आप विद इन 24 आवर्स अपनी फ़्लाइट से लाइक अगर 24 घंटे के अंदर लाइक थोड़ा टाइम रह गया और अपनी टिकट आप करवाते हैं तो उसमें आपको टिकट पूरी रिफंडेबल नहीं होती है, उसमें नो शो ऐड होता है जिसकी वजह से आपकी टिकट हाफ़ रह जाती है और आपको हाफ अमाउंट मिलती है। इसी तरह लोग बहुत सवाल करते हैं कि IATA टिकट जो है वो कौन सी वो अच्छी है, या क्रेडिट कार्ड की टिकट के ऊपर करवाई जाए तो वो बेहतर होती है। सो हम रिकमेंड करते हैं आप IATA टिकट करवाएं, क्योंकि अगर आप क्रेडिट कार्ड के ऊपर करवा रहे हैं टिकट तो वो ये होता है कि जिसके क्रेडिट कार्ड के ऊपर है, फॉर एग्जांपल अगर कोई और शख्स है तो उसका आपके साथ होना ज़रूरी है एयरपोर्ट पे। उसके अलावा अगर वो आपके साथ क्रेडिट कार्ड है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना वो इतनी हम वेरीफाइड नहीं होती कह लें, लेकिन IATA की जो होती है वो वेरीफाइड होती है, उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लेते हैं। तो वो जो प्रोसीजर है अगर कोई मसला बन जाता है आपको तो उसको आपको ज़्यादा फेस नहीं करना पड़ता, वो ईजीली आपका मसला हल हो जाता है। तो हम ऑलवेज़ रिकमेंड करते हैं अपने क्लाइंट्स को IATA के थ्रू जो है वो टिकट अपनी करवाएं बजाय इसके कि क्रेडिट कार्ड के ऊपर करवाएं। और तो ये चंद पॉइंट्स थे जिनको आप फॉलो करें अपनी कोई भी आपके कंट्री का विज़िट करना चाह रहे हैं तो टिकट्स किस तरह बुक करवाते हैं, जो न्यू कमर्स हैं जो फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो ये उनके लिए बहुत ही अच्छे की पॉइंट्स हैं। अगर आप इनको फॉलो करें तो आप किसी भी कंट्री का विज़िट जो है टिकट जो है आपको चाहिए विज़िट के लिए तो वो बआसानी चीप रेट्स के अंदर मिल सकती है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह की अगर आप मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बरवक्त पहुँचती रहें। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट पर विज़िट कर सकते हैं विच इज़ www.chauhantravel.com, और हमारा ऑफिस भी विज़िट कर सकते हैं। उसके लिए रब्ता करें आप M84 सिद्दीक ट्रेड सेंटर गुलबर्ग लाहौर पर। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।